फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर जहां पर ओएमआर सीट वायरल हो गई थी और इसी मामले में 5 लाख रुपए में नकल कराने का सौदा भी हुआ था, तो सहायक कृषि अधिकारी ने नकल कराने का ठेका लिया था, जहां पर फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कोटद्वार में तैनात है सहायक कृषि अधिकारी सुधीर कुमार, कोचिंग संचालक मुकेश सैनी के गिरोह से वो जुड़े हैं, तो फिलहाल गिरफ्तार यहां पर कर लिया गया है। तो वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी को 5 लाख रुपए में नकल कराने का सौदा कृषि विभाग के एक अधिकारी ने किया था। पुलिस ने कोटद्वार में तैनात आरोपित सहायक कृषि अधिकारी सुधीर कुमार को गिरफ्तार किया, जहां उसने अपने ही रिश्तेदार युवक को पास कराने का झांसा दिया था। तो रुड़की स्थित ओजस्वी कैरियर सेंटर के संचालक मुकेश सैनी के गिरोह इसे आरोपित के तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो मुकेश सैनी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस और इसी 18 फरवरी को प्रदेश में विभिन्न केंद्रों पर वन आरक्षी भर्ती परीक्षा कराई गई थी, जहां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से ये परीक्षा कराई गई। तो परीक्षा संपन्न होने के साथ ही ओएमआर शीट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थी और कुछ ही घंटों के अंतराल में परीक्षा में अन्य गड़बड़ियों की शिकायत भी सामने आई। तो पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि कुछ केंद्रों पर अभ्यर्थियों को नकल कराने के लिए एक गिरोह ने 5 लाख रुपए तक का सौदा किया हुआ था और इन्हें ब्लूटूथ के जरिए प्रश्नों के उत्तर बताए जा रहे थे। इसके लिए बकायदा कोडवर्ड बनाए गए थे। परीक्षा के अगले ही इस दिन सिलसिले में पौड़ी और हरिद्वार में 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।